सर बक्सी नंबर फोर में कर चल रहे थे ना? यस सर। वर्कशीट नंबर फोर चल रहा था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था सर? पूरा हो गया, टू तक हो गया था हमारा। अब भाई पूरा कर लिया क्या तुमने? Yes. मैंने भी पूरा कर लिया है। और आयुषी? Yes, sir, मैंने भी। आप लोग तो बड़े स्मार्ट हो, हम बिना पढ़ाई कर लेते हो। सर होमवर्क गया था। अच्छा होमवर्क दिया था, होमवर्क तो गया था। हम प्रॉब्लम हो ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में कितना आंसर आया था बताइए? 40 स्क्वायर मीटर। अच्छा हाँ ठीक है। और इसमें फोर नंबर में 40 मीटर 40 सेंटीमीटर 40 आया। यस सर। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बताइए क्वेश्चन हम पूछ करवाते हैं ठीक है। जैसे आप लोग को क्वेश्चन दिया था इस टाइप का, इसको सॉल्व करके दिखाइए तुरंत कॉपी में। रिया आप भी, रिया आप भी इसको सॉल्व करने ट्राई करो। मैम किस वो सर किसमें करना है? हाँ कॉपी में, ऐसे ही रफ कॉपी कोई भी हो आप लोग के पास, उसमें बताइए करके ठीक है बेटो। रफ कॉपी आपके पास कोई भी हो उसमें करके दिखाइए इसको। इस टाइप का और क्वेश्चन देंगे अभी हम, इस टाइप का क्वेश्चन ही आप लोग का फंसा था, बाकी सब आप लोग को आ गया था ठीक है। बताइए ऐड करके दिखाइए इसको। सर 3/4 3/4 आ रहा है आपका? यस सर। अच्छा वो क्या ऑन कीजिए उसको कैमरा को, देखते हैं क्या दिखाओ उसको सर को। दृष्टि कैमरा ऑन कीजिए, देखिए बेटा आपका कैसे किया हूँ, दिखाइए सवाल दिखाइए ठीक है। बारी बारी कैमरा ऑन कीजिए, पहले सृष्टि ऑन कीजिए कैमरा, ठीक है सवाल दिखाइए बेटा और नजदीक से। हाँ इसको सॉल्विंग इसका कहाँ है? सॉल्विंग वो कर ली थी मैं पहले ही। सॉल्व तो करो बेटा। अच्छा और किसका हुआ है? अटैक हमने कराया था ना? यस सर। सर मैं दिखाऊं? हाँ सर अब है ना दिखाऊं? हाँ बेटा बंद कर लो आप। हाँ भाई दिखाओ, भाई दिखाओ। हाँ नजदीक ले जाकर। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर। इसका डिनोमिनेटर निकाल के सर यहाँ से एलसीएम निकाल। हाँ वेरी गुड, देख लिया देख लिया। अब आयुषी आपने किया? आयुषी आपने किया? द म्यूट क्यों किए हो आयुषी? आयुषी आवाज नहीं आ रही बेटा। रिया रिया यस सर।
बेटा किया? यस सर। कितना है बेटा? वैल्यू इसकी रिया 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 है ना बड़ी बेटा। यस सर। बताइए सर, आईसी आप नहीं हुआ क्या? आईसी का आवाज नहीं आ रही क्या? लग रहा है सर आपने इसको समझाया था क्या? हाँ तो बच्चों क्या करते हैं, फ्रैक्शन का हमेशा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन जो ऐड करना होता सृष्टि बेटा ऐसे करना था, तो आपने कैसे किया इसको? ऐसे ऐड कर दिया क्या? ऐसे सीधे सीधे? यस सर। हमने कहा करके दिखाने का मतलब है बेटा सॉल्व होना चाहिए ना, आंसर पता रहे, मतलब आंसर हमने याद कर लिया, रट लिया है, रटना सही नहीं होता है मैथमेटिक्स में, हमको सॉल्विंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सॉल्विंग पता होना चाहिए, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ इन दोनों का बेटा हम एलसीएम निकालते थे, बताए थे एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा एलसीएम? देखो एलसीएम क्या आता है, फोर ही आएगा, फोर आएगा सर। रिया ध्यान से देखिए बेटा, रिया ध्यान से देखिएगा, टू और फोर का एलसीएम क्या करते हैं हमेशा, जब भी फ्रैक्शन को ऐड करना होता है या सबट्रैक्ट करना होता है, हमने क्या कहा? जब भी फ्रैक्शन बेटा वन बाई टू के फॉर्म में है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म, बोलते हैं पी बाई क्यू फॉर्म। देखो कुछ है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे, ठीक है, तो पी बाई क्यू फॉर्म है। जब भी फ्रैक्शन को ऐड करना होता है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं फ्रैक्शन को ऐड करना होता है, डिनोमिनेटर कम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हाँ टू और फोर का लिखाएंगे, टू वन जै टू, टू टू जै फोर, टू से करेंगे टू वन जै टू, और ये क्या हो गया एलसीएम? फोर हो गया। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, फोर लिख देंगे यहाँ पे, फिर इससे डिवाइड करते हैं, टू टाइम में गया, तीन टाइम गया, टू टाइम में गया, टू टाइम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने टाइम जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर यहाँ पे वन टाइम जाएगा वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चों सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ये, ठीक है सर। फिर इसको नीचे प्लस टू वन या टू प्लस वन अपॉन फोर हो गया थ्री बाई फोर। एक और क्वेश्चन देंगे इसी बेसिस पे। आयुषी नोट कर लेने दीजिए। हाँ नोट कर लीजिए बेटा, नोट करने के लिए बोले तो हैं। रिया समझ में आया बेटा? रिया समझ में आया? आयुषी खाना वाना खाने चली गई थी क्या? यहाँ पे बेटा ये नो सर, ये जो आप मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लाई और प्लस को वाला। हाँ ठीक बता दे रहे, देखो पहले ध्यान देना है, हमने एलसीएम लिया ठीक, फोर आ गया, जो एलसीएम आया उसमें क्या करेंगे, जो एलसीएम आया उसको ऐसे लिखेंगे, फोर लिखा और लाइन खींच लिया, पहले डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर क्या मतलब जो फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर टू है ना, उससे इसमें डिवाइड करो बेटा फोर में, तो टू डिवाइड करो टू से, तो कितनी टाइम जाता है फोर टाइम, फोर के लिए टू टाइम जाएगा, हाँ उस टू से बेटा, उस टू से पहले वाले ही डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, टू इन ओवर टू वन ओवर, ठीक है किया, टू टू वन टू वन ओवर। हाँ ये फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड किया वन टाइम गया फोर वन जो फोर, उस वाले जो वन टाइम गया उससे इसी में करेंगे मल्टीप्लाई, इसके वाले नंबरेटर से वन वन जे वन, ठीक है, तो टू वन जे टू वन वन जे वन ऐड कर लिया। आप समझ आया? यस सर आ गया। आयुषी समझ में आया? रिया सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है अब एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पे, ठीक है आप लोग करेंगे? ओके सर। हाँ ओके सर, ये तो बता चुके थे एक बार हम, और अभय तो सीज कर लिया होगा, क्यों अभय क्या ब्रश किए सर अपने से? हाँ चलो ठीक है आप करके दिखाओ, देते हैं और हाँ यस सर।
चलिए करिए बच्चे, करिए सब लोग, सब लोग करिएगा ठीक है, अच्छे से मन लगा के जो जो बताए हैं स्टेप फॉलो करिए और करिए इसको, देखते किसका आंसर आता है। इस टाइप को क्वेश्चन बता चुके हैं हमने क्लास फोर में, बताया था सब थे, कौन कौन, रिया थी और आयुषी थी और अभय थे, दुर्गेश थी, ये लोग थे क्लास में। स्टेप फॉलो कीजिए और कीजिए। ओके सर। इसका आ जाएगा, बोलेगा हमारा आ गया आंसर, पहले नहीं बताएंगे, पहले बता दीजिएगा हमारा आ गया ठीक है। ओके सर। अबे कर रहे हो ना बेटा सर। अच्छा आप लोग के लिए सूचना है, छोटी सी नोटिस है आप लोग के लिए, कंप्यूटर का आप लोग क्या जमा कर, वो सबमिट कर दो स्कूल में क्या असाइनमेंट ठीक है। ओके सर। और फिर क्या मिलेगा? हाँ हाँ आपको जमा कर दिए थे, फिल कर दिए थे ठीक है। आप लोग और क्या करो, दूसरी बात आप लोग को मिलेगा क्या इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का मिलेगा असाइनमेंट, उसको ले जाइए हमसे। ओके सर। यस सर। आ गया, भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। और आयुषी बेटा जल्दी करिए आप भी, रिया आप भी जल्दी करिए, सब लोग जल्दी कीजिए। चलिए बताइए सृष्टि आपका आंसर बताइए, सृष्टि का आंसर और अभय का आंसर। बेटा की 15 आप है 19/15 सर। वीडियो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं भी। मत दिखाओ। ओके सर। मत दिखाओ हम समझ जाएंगे, सही होगा तो सही होगा, अगर आंसर सही होगा तो क्या होगा आपका सॉल्विंग भी सही होगा ठीक है। और आयुषी यस सर 19/15। वेरी गुड बेटा, इनका भी वही आया है ठीक है। आयुषी का भी। रिया छाया बेटा अभी सॉल्व कर रहे हो सर? हो गया। हाँ कितना है बेटा? 19/15। वेरी गुड, रिया का भी 19। मतलब इसका मतलब है कि सब लोग क्या करो, किटी क्यों नहीं खेल रही सब आपस में? सबका सेम आ गया, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, सबका सेम है। ठीक ठीक ठीक, मजाक कर रहे थे, 19/15 नहीं होगा ठीक है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। चलिए बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछते हैं ठीक है। आप तो क्लास फोर में पढ़ाया था ठीक है, अब बताइए बच्चों यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, कॉमा लगा दे रहे हैं, कॉमा। अब बताइए इनमें ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है? 3/5। गेस नहीं करना है सृष्टि बेटा, गेस नहीं करना है ठीक है। गेस में देखो क्या है, जब दो चीजें हैं तो गेस करेंगे क्या हो सकता है, गेस हमारा सही हो सकता है, 50% चांसेस गेस से है कि नहीं। अब हम अगर लिख दें ढेर सारी चीजें लिख दें तब बताओ गेस करोगे, तब दिक्कत होगी ना। बट ऐसे में गेस करने में क्या होगा, मे भी सही हो जाए, अगर नहीं आता है जैसे कोई चीज तो गेस मत करिए, कहीं हमको नहीं आता है ठीक है। कैसे पता करें,
जब आपको दिख रहा हो साफ साफ यहाँ ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, साफ साफ दिख रहा हो कि हाँ हमारी नजरों में समझ में आ रहा है हमको यहाँ सही चीज है, बड़ा होगा या छोटा होगा, ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा, ठीक है, तब आंसर बोलिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं दिख रहा तो पूछिए हमें सभी, हमेशा पूछिए सर नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, मगर अभय और ऋषि को हमने बताया था, ठीक है, कैसे पता करेंगे क्लास फोर में, ठीक है, इन दोनों को तो आना चाहिए। क्यों अभय? हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे पता करना है। बताएंगे बेटा, हम बताएंगे, हम क्लास फोर में आपको नहीं बताए थे ना, तो इन दोनों को बताए थे, तो तीन लोग बताए थे, ठीक है, तो पहले इन लोग से पूछ लें, अगर इन लोग आ रहा हो ठीक बताएंगे तो हम सबको। अब है याद है निकालने पता करेंगे, अब है याद है? नो सर। अच्छा बहुत बढ़िया किए काम, भूल गए। आयुषी आपको याद है? नो सर। भूल के बहुत बढ़िया काम किया आप लोग। चलिए हम बताते हैं क्या बताए थे, देखो याद है कुछ, अब याद आएगा, अब याद आएगा। सब पहले हम बताए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। देना फिर उसके बाद बेटा अगर नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई चीज इक्वल होती, देखो ना तो यहाँ पर नोमिनेटर इक्वल है ना ही डिनोमिनेटर आपस में इक्वल, कोई भी चीज इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई चीज इक्वल होती तो बिना हम एलसीएम के भी निकाल देते हैं। सपोज करते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, देखो हम ध्यान से देखेंगे, जैसे हम लिखा है 1/3 लिखा है, मामा 1/5 लिखा है, यहाँ पे क्या इक्वल है बच्चों, यहाँ पे क्या इक्वल है? अरे भाई उसका नाम है ना नोमिनेटर इक्वल है, नोमिनेटर इक्वल है, नोमिनेटर इक्वल है तो क्या होगा? तो बेटा डिनोमिनेटर जब भी इक्वल रहेगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, मतलब ये वैल्यू बड़ी, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होगा, न्यूमरेटर केस में बच्चों, न्यूमरेटर केस में जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, क्यों बेटा? जो छोटे से डिवाइड करोगे, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे क्या वैल्यू बड़ी आएगी, बड़े नंबर से डिवाइड करोगे क्या होगा वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है, न्यूमरेटर जिसका इक्वल में केस में जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, और जब मान लो क्या बड़ा हो बराबर हो, मान लो डिनोमिनेटर बराबर हो, डिनोमिनेटर बराबर है ना इस बार? यस सर। डिनोमिनेटर बेटा जिसका डिनोमिनेटर जब बराबर हो इक्वल हो तो बेटा जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, ये बड़ा होगा, ओके, न्यूमरेटर जिसका बड़ा। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर, उस केस में क्या करते हैं बेटा, उस केस में हम डिनोमिनेटर को इक्वल करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इक्वल करना चाहते हैं, वो का कैसे इक्वल, तो पहले एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसको इक्वल करना चाहते हैं क्योंकि हम विदाउट किसके इक्वल कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, विदाउट उसके कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा दूसरा काम है क्या हमारे पास, इसको डिवाइड करें, हम दूसरा काम ये हो सकता है हम इसको डिवाइड कर लें, मगर उससे अच्छा हम इसका कर लें, ये कर लें, देखो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 1, 5, 5, 1, 1, 15 कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर को भी 15 करना पड़ेगा और इसके डिनोमिनेटर को भी 15 करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए इसको हम 15 लिख दे रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर को 15 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया हमने, 15 बना दिया, 3 को 15 बना दिया, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है, मतलब किसी को भी कुछ लिख दो अपने आप मर्जी से, बिना मतलब लिखो, हां नो सर, 3 को 15 लिख दे, ठीक है, नो सर, बताइए नो सर, फिर क्या लिखना होगा, फिर सर 15 ही लिखेंगे, हाँ तो आगे फिर और कुछ, तो गलत कैसे है फिर, ये गलत है सही है, ये सही है सर,
टू अपॉन थ्री को टू अपॉन फिफ्टीन लिख दिया। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है बेटा, हमने कह रहे हैं अभी आ रही है आयुषी? नो सर, फट फट कर आ रही है। वन मिनट जस्ट वेट। बताइए अभी क्लियर आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर। ओके डन। बच्चों बताइए ना, हम कह रहे हैं 2/3 को हमने लिख दिया 2/15, बात सही है? यस सर। सही है। कौन यार सर बोल रहा है? अभी बोल रहे हैं no, बेटा कुछ भी लिख दें तो भाई दोनों इक्वल है क्या? जो हम बराबर लिख दे रहे हैं इक्वल तो नहीं है ना? बराबर इक्वल नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं उसके जगह पे? क्या पढ़ाया था? इक्वल पढ़ाया था है ना? तो बेटा क्या है, 2/3 को हम लिख रहे हैं किसको? देखो चेंज कर रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं। किसमें? 15 में। तो 2/3 जो लिखा जा सकता है, देखो 15 हो गई है, 3/15 कैसे होता है बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी साउंड नहीं आ रही है। अब भी बच्चों आई? यस सर। हाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे हैं कि बच्चों जब क्या होता है, हम 2/3 को लिखने जा रहे हैं 15 में, डिनोमिनेटर 15 लिख रहे हैं, ठीक है, 2/3 को, जहाँ डिनोमिनेटर 3 था 15 लिख रहे हैं। कैसे लिख दे रहे हैं बच्चों? हमने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई 15 आया। तो बच्चों अगर हमने डिनोमिनेटर में किया तो हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, उसे करें करेंगे क्या होगा? 10 हो जाएगा। कुछ याद आया अब है? इक्विवेलेंट याद आया? बताए थे आयुषी? याद आया? सही है बच्चों। क्या हो गया? ये बन गया 2/15, ये बन गया 10/15, ये बन गया 10/15। ओके कॉमा लगाइए। 3/5 क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 3/5 को लिखा जा सकता है 15। यहाँ 15 इसको करना है, इसको भी करना है 15। तुमने बताया क्या करना है? दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम क्या करेंगे? जो एलसीएम आया था वही लिखेंगे, जो एलसीएम एलसीएम 15 आया था। बेटा 15 कैसे हुआ? 3 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 9। आवाज आ रही है सबको? यस सर। बेटा क्या हो गया? 9। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? दो चीजें मिल गई, 10/15 मिल गया और 9/15 है ना? यस सर। बेटा आप कंपेयर करना आसान हो जाएगा, देखो ये क्या बन गया, 10/15, 9/15। अब बताइए कौन छोटा कौन बड़ा? सर 10/15 क्या है? अभी बताए थे क्या? वही बात ना कि जब न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका बड़ा होगा न्यूमरेटर वही बड़ा होगा। तो देखो सर 10/15 बड़ा हो गया। और देखो सृष्टि आपने क्या बताया था शुरू में, इसको बताया ना? यस सर। तो गेस करेंगे तो क्या होगा? गलत हो सकता है, गेस करेंगे तो क्या होगा? बट हमको पता रहेगा तरीका तो क्या रहेगा, सही निकलेगा। तो अब पता लग रहा है कौन बड़ा है, ये बड़ा है, सलीम कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ओके यस सर। चलिए हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है समझ में आया सबको? सबको बोलिए, सब लोग बोलिए। और आयुषी नहीं बोल रही है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और लीजिए बच्चों, आप लोग करिए। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब स्ट्रैक है, करिए इसको। बच्चों यहाँ बीच में प्लस होता था ना, वही चीज अब क्या होगा, बीच में माइनस लगा रहेगा,
ओके रुकिए 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 आप करिए बच्चों आप करिए आप करिए ओके सर सब मेरा नेटवर्क फंस रहा है। हाँ नेटवर्क फंस रहा है पा। आवाज तो आ रही है ना बेटा? हमारी आवाज आ रही है ना? सब तो कट कट कर आ रही है वीडियो के ऊपर। वीडियो कट कट क्या आ रहा है? क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया तो करिए क्वेश्चन को। सर आपकी साउंड कट कट कर आ रही है। अच्छा हमारी साउंड भी रुक जाओ छह मिनट रुक जाओ हम करते हैं व्यवस्था। बच्चों अभी हमारी बातचीत आ रही है। अभय रिया सृष्टि बताइए आवाज किस आ रही है? यस सर यस सर। ओके ओके आईसी का नेट खराब था लग रहा चली गई अभी आएगी। देखिए किस किसी का आया रिया करती थे अभी अभय ओके सर हो गया। कितना आया बच्चा? सर 33/63। 33 बोले हो? यस सर 33/63 ये है बेटा। यस सर। और देखिए किसी का आता है थोड़ा सा मिस्टेक है लग रहा है आपका। अब है? यस सर। थोड़ा सा मिस्टेक है आपका देख लीजिए पहले हम बता दे रहे हैं।
देखे बेटा सही लग रहा, सही है बेटा, सही है, सही है बेटा आपका, सही है भाई। ओके सर। सृष्टि, रिया आप लोग नहीं आया बेटा अभी? सर ये सर वो उसी तरह है ना, जिस तरह प्लस है वहां पर आखिरी में माइनस कर दिया। सर तू नहीं वाला है। ओके सृष्टि, रिया, अब भाई तो मार हो गया लग रहा है बहुत ज्यादा। ये देख लीजिए सॉल्व जिस तरह किया वो सही है। दिखाओ बेटा, दिखाइए, वन मिनट हम मोबाइल देख लेते हैं अपना, दिखाइए। हाँ सही है बेटा, सही है, वेरी गुड, सही। बादाम बादाम खाने लगे होंगे बेटा आजकल ज्यादा? हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ सर चलिए जल्दी कर लीजिए, टाइम बहुत कम। रिया रिया बोलो बेटा आपको आवाज। अच्छा कितना है आपका बेटा? मेरा भी 33/63। ओके सब लोग पर, हाँ 63 आएगा। हाँ रिया रिया आवाज आ रही है? बताएं क्वेश्चन करना आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, करना आ रहा तो बताओ, हम बताते हैं। बोल कौन कम बेटा, एक बात और आप लोग बता दूं, ये क्या करेंगे इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, हम लोग देखते हैं 11 टेबल में आता है 11 थ्रीजा, थ्री टाइम में आता है 11 थ्रीजा। ये देखो बच्चों 21 के टेबल में आता है थ्री टाइम में, तो क्या होता है दोनों थ्री से कैंसिल हो रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे इसको 11 upon 21। क्या है इसे बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, इसका लोएस्ट फॉर्म है बेटा। अब इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा ना, ये 21 इससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको कैंसिल करके ये लिख लेंगे। ये क्या है लोएस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा रूप है ये, इसका इसका सबसे छोटा रूप ये है, ठीक है बच्चों नोट कर लो इसको। सर मेरा हो गया है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चों फिर इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे अब बेटा, हम लोग आज क्लास यहीं ओवर करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से आप लोग क्या कीजिएगा, मेंटल मैथ और वो वाली बुक मैथमेटिक्स वाली बुक दोनों साथ में रखिएगा, हम बताएंगे आप लोग को उस दिन क्या चलेगा, ठीक है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। सृष्टि आवाज नहीं आ रही बेटा? सर आ रही है। ठीक है चलिए, आज लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही सबको, तो नेक्स्ट क्लास में मेंटल मैथ और मैथमेटिक्स दोनों रखिएगा साथ में, ठीक है। ओके चलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय क्लास।